हेलो एवरीवन, स्टैटिक्स में बेटा आपका लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम चल रही थी, उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। ओके, आज हम उसे आगे करते हैं। एक्सरसाइज आपकी 1.3 है। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो, और जो डेली का होमवर्क मिलता है वो डेली साथ साथ कर लो तो बेटर होगा। ठीक है, ओके। तो हमारे पास लैम्डा माइनस म्यू जो थ्योरम थी वो क्या थी कि आपके पास दो फोर्सेज लगे हुए हैं, ओए कह लो लैम्डा ओए, और ओ बी कह लो म्यू ओ बी लगा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास ए और बी को हमने ज्वाइन किया, सी को पॉइंट लिया। ओके, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ ओए प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ ओ बी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो उस चीज़ को, लैम्डा प्लस में म्यू ओ सी लिख सकते हो। ओके, हमने ये क्रोनली की थी और हमने उसमें ये बताया था कि अगर आपके पास यहाँ पे सी जो है वो मिड पॉइंट है तो देन लैम्डा की वैल्यू भी बेटा 1 होगी और म्यू की वैल्यू भी 1 होगी, और हम लिखेंगे इसको, हम पढ़ेंगे ओ ए प्लस में ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ सी। ओके, तो हम देखो अभी क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो इसी बेस पे करेंगे। ओके, तो आपके पास दे रखा है फाइंड ए पॉइंट, फाइंड आउट करना आपको पॉइंट ए विद इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर आपको एक पॉइंट ओ फाइंड आउट करो, सो दैट द फोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाई ओ ए ओ बी ओ सी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर एक्टिंग एट ओ। तीन फोर्सेज हैं, ओ को एक ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट है, ओ ए ओ बी मतलब ओ वर्टेक्स से आप किस पे जा रहे हो, देखो ओ ए ओ बी ओ सी ये मतलब ओ वर्टेक्स जो ट्राइंगल के अंदर है आप वहाँ से वर्टिसेस पे जा रहे हो, राइट। एक्टिंग एट ओ मे बी इन इक्लिवेरियम, आपको दे रखा है इक्लिवेरियम, तो इक्लिवेरियम का मतलब मैंने बताया था कि वो आपका बैलेंस बना के रखे। ठीक है, तो इक्लिवेरियम में आप लेते हो कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी अगर आपने इक्वल्स टू जीरो दिखा दे तो देन तीनों जो फोर्सेज हैं वो आपके पास क्या होंगे, इक्लिवेरियम होंगे। ठीक है, तो लेट हमने ओ कोई भी पॉइंट ले लिया, तो हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करने की किस टाइप का जो पॉइंट है वो ओ है, कि हमारे पास तीनों जो फोर्सेज ले रहे हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम है। ओके, लेट हमने कोई पॉइंट ओ लिया विद इन द ट्राइंगल ए बी सी, एक पॉइंट क्या लिया मैंने, डी लिया। ठीक है, तो देखिए मैंने ट्राइंगल ले रखी ए बी सी, ए बी सी के अंदर बेटा मैंने कोई ओ पॉइंट लिया, तो जैसे इसने फोर्सेस की जो डायरेक्शन है ओ ए ओ बी ओ सी, तो ओ से ए जाओगे, ओ से बी जाओगे, ओ से सी जाओगे। ओके, हाँ, तो उसके बाद आपने क्या लिया, डी कोई पॉइंट लिया, डी हमने जो मिड पॉइंट लिया बी सी का, डी बी सी का मिड पॉइंट लिया, तो देन ए डी आपका क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। ओके, और मीडियन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, और तीनों वर्टिसेस तीनों मीडियन जहाँ पे मीट करते हैं हम उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं, और वो सेंट्रॉयड किसी न किसी मीडियन पे आता ही है, क्योंकि तीनों ही मीडियन जब वहाँ पे मीट करेंगे तो डेफिनेटली तीनों पे ही आएगा, राइट। तो हमारे पास जी जो है वो सेंट्रॉयड है। ओके, तो देखो ओ से बी लिया, ओ से सी लिया, ओ से ए, ये हमारे तीनों फोर्सेस हैं, हमारा ए डी मीडियन है, और जी मैंने क्या ले लिया, अपना सेंट्रॉयड ले लिया, मैंने ओ से किसको ज्वाइन कर दिया, जी को कर दिया। और आपको पता है कि ये जो है वो सेंट्रॉयड किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, डन। तो हमने लिया पहले ट्राइंगल बी ओ सी लिया, बी ओ सी, तो बेटा आपके पास मैंने अभी लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम का जिक्र किया था कि अगर आपके पास ओ ए और ओ बी, ओ बी और ओ सी लग रहा है और ये आपके पास मिड पॉइंट है तो ओ ए प्लस में ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ डी, राइट। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, मैंने ओ बी प्लस में ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ डी, आर यू एग्री, ओके। मैंने लिया, इसने कहा कि तीनों फोर्सेज जो है इक्विलिब्रियम है, ओके, तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस में ओ सी लिया, मैंने ओ बी प्लस ओ सी की जगह क्या डाल दिया, 2 टाइम्स ऑफ ओ डी डाल दिया। अब देखिए 2 टाइम्स ऑफ ओ डी और ओ ए, अब देखिए एक दो ये फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और ये आपके पास लैम्डा माइनस म्यू वाली सिचुएशन बन रही है इन ट्राइंगल ओ ए ओ डी में, राइट। यहाँ पे अब आपको पता है जी जो है उसको 1:2 में डिवाइड करता है, तो ओ ए के साथ 1 है, ओ डी के साथ क्या है, 2 है, ओके। तो मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ ओ ए म्यू टाइम्स ऑफ ओ डी, ओके, तो क्या लिख सकते हो, लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ओ जी, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, तो हमने क्या कर दिया,
लैम्डा प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ ओजी, तो वन प्लस में टू इज इक्वल टू क्या हो गया, थ्री ओजी, ठीक है ओके। तो हमारे पास ओ ए प्लस में ओ बी प्लस ओ सी जो था उसकी वैल्यू हम क्या ले आए, थ्री टाइम्स ऑफ ओ जी ले आए, ले आए ना। अब देखो इसने ये कहा कि तीनों जो फोर्सेस थे वो इक्विलिब्रियम थे, तो दैट मीन उनका जो सम है वो हमारा क्या होगा, ज़ीरो। ओके हमने अपना रिजल्ट लगा दिया कि तीनों जो फोर्सेस इक्विलिब्रियम है तो दैट उनका जो सम है वो ज़ीरो होगा, ठीक है ओके। तो दिस इम्प्लाइज दैट आपका ओ जी भी क्या है, ज़ीरो। तो एक मैग्नेट ये क्या बन गया, नल वेक्टर बन गया, कि नल वेक्टर की कोई लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं होता, तो आपके पास इसका मतलब ये है कि और जी जो है वो कॉन्साइड कर रहे हैं, तो और जी कॉन्साइड कर रहे हैं। तो देखो इसने क्या कहा था कि आपको ना ओ की पोजिशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमने ओ की पोजिशन फाइंड आउट कर दी कि ओ जो है वो हमारा क्या कर रहा है बेटा, सेंट्रोइड ही है, ओ हमारा क्या है, सेंट्रोइड है, ठीक है। तो सेंट्रोइड से अगर हम तीनों वर्टेक्स से पे फोर्सेस जा करते हैं तो तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम होते हैं। तो इसका कंसेप्ट ये है आपका कि सेंट्रोइड से अगर तीनों वर्टिसेस पर आप फोर्सेस जा करते हो तो वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम हो, ओके। चलिए नेक्स्ट पे, इफ़ जी विद द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, जी सेंट्रोइड है, पता है ना सेंट्रोइड क्या होते हैं, जहाँ पे तीनों मीडियंस मीट करते हैं आप उसको किसका नाम देते हो बेटा, सेंट्रोइड का, ओके। फोर पहले ही प्रॉब्लम है आपकी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एंड रिप्रेजेंटेड बाय जी ए जी बी और जी सी, ये आपके तीनों क्या है, फोर्सेज हैं, ठीक है। मैंने इनको डायरेक्शन नहीं दिया, अभी दे देती हूँ, आर इन इक्विलिब्रियम। तो आपको ये शो करना है कि ये ना जी ए जी बी जी सी जो है वो तीनों क्या हो, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजिशन में हो। तो मतलब तीनों का जो सम है आपको क्या दिखाना है, ज़ीरो। तो जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आराम से धीरे धीरे पढ़ो ताकि उसका कंसेप्ट समझो कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और अभी कह रहे इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जो सारे जो भी फोर्सेज यूज़ कर रहा है वो उन सब का सम क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो मैंने जी को एक पॉइंट ले लिया, जी का मैंने किसका नाम दे दिया, सेंट्रोइड का नाम दे दिया, ठीक है। प्रोड्यूस मैंने ए जी को बढ़ाया, मतलब सबको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और मैंने ए जी को बढ़ाते हुए डी पे ले गई, अब ए जी को अगर मैं जी पे बढ़ाऊंगी तो देन मेरा डी जो है वो बी सी पे लाई करेगा, और डी जो है वो मेरा मिड पॉइंट ऑफ बी सी का होगा, ठीक है ना। तो मैंने तीनों फोर्सेस का सम लिया, ओके, जी ए प्लस में जी बी प्लस में जी सी, ओके। अब मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल में बी जी सी, बी जी सी ट्राइंगल में लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम का यूज़ किया कि डी इसका मिड पॉइंट है, तो बी जी जी बी प्लस में जी सी इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ जी डी, राइट, जी बी प्लस में जी सी इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ जी डी, ले सकते हो ना, ठीक है, तो ले सकते हो। तो हमने जी बी प्लस में जी डी के जगह क्या डाल दिया, टू टाइम्स ऑफ जी डी डाल दिया। अब देखिए जी जो था वो सेंट्रोइड था, उसने ए डी को 2:1 में डिवाइड किया, तो टू टाइम्स ऑफ जी डी को क्या लिख सकते हो, ए जी लिख सकते हो। अब यहाँ पे जी और ए जी दोनों की चीज़ तो वेक्टर तो सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट डायरेक्शन है, अगर सेम डायरेक्शन बनाएंगे तो एक की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हैंस द फोर्सेज जी ए जी बी जी सी आर इन किस में हो गए, इक्विलिब्रियम हो गए। फोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाई, आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाई जी डी जी ई जी एफ और आर इन इक्विलिब्रियम, तब हमने सेंट्रोइड से वर्टिसेस पे लिया, ठीक है, सेंट्रोइड से वर्टिसेस पे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसमें आप क्या ले रहे हो, सेंट्रोइड से साइड्स के मिड पॉइंट्स पे ले रहे हो, तो वेयर डी ई एफ आर द मिडल पॉइंट्स ऑफ द बी सी सी ए एंड ए बी साइड्स का। जी आपके पास क्या है, सेंट्रोइड है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो आपके पास बेटा जी डी जो है, जी डी वो थ्री टाइम्स ऑफ किसका होगा, ए डी का, क्योंकि जी ए डी को 2:1 में डिवाइड करता है, जी बी ई को 2:1 में डिवाइड करता है, जी सी एफ को 2:1 में डिवाइड करता है। तो आपका जी जो है वो 1/3 टाइम्स ऑफ बी बन गया, जी एफ जो है वो 1/3 टाइम्स ऑफ सी एफ बन गया, ओके। तो डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी था ना, मैंने लिया इस पे लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम लगाई, तो ए बी प्लस में बी सी इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ ए डी, राइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ए डी की वैल्यू निकाली, ए डी की वैल्यू क्या निकाली, 1/2 ए बी प्लस में बी सी। सिमिलरली मैं अपने तीनों मीडियंस की वैल्यू निकालूँ,
ठीक है, मैंने तीनों मीडियंस की वैल्यू निकाली और सभी को क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। ओके, तो जैसे ही मैंने ऐड किया तीनों मीडियंस की वैल्यू निकाल के, तो मेरे पास यहाँ पे तीनों मीडियंस की वैल्यू निकालने का पर्पज़ क्या था, क्योंकि जी डी जो है वो वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ ए डी था, जी ई जो था वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ बी था, जी एफ जो था वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ सी एफ था। तो अब मैं इन सब की वैल्यू डाल के जोड़ दूँगी, ठीक है। तो मैंने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो वन बाई थ्री टाइम्स इंटू में ए डी प्लस में बी ई प्लस में सी एफ। ओके, और मैंने इन तीनों की वैल्यू डाल दी, ए डी की भी, बी ई की भी और सी एफ की भी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो साइड आ रही है ए बी और आपका कहीं क्या मिल रहा होगा बी ए, तो इन दोनों के जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। जब आप इसके डायरेक्शन सेम करोगे तो ये माइनस का, ऐसे इन दोनों के डायरेक्शन डिफरेंट है, इन दोनों की डिफरेंट है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। और तीनों फोर्सेस का सम अगर हमारा जीरो आ रहा है तो देन वी कैन से दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम पोजिशन। ओके बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पी बी एनी पॉइंट इन ऑन ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए पी जो था वो ट्राइंगल ए बी सी के बाहर हमने कोई पॉइंट लिया, एंड डी ई एफ आर द मिडल पॉइंट्स ऑफ साइड्स, डी ई एफ साइड्स के मिडिल पॉइंट है। आपको प्रूव करना है फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय ए पी। देखो जैसे ये फोर्सेस बोल रहा है ए पी, तो हमें डायरेक्शन कैसे देनी पड़ेगी, ए से पी, सी से पी, बी से पी। ओके, उसके बाद कहता है पी डी, पी डी तो पी से डी, ओके पी से ई और पी से एफ, आर इन इक्विलिब्रियम, सारे किस में है, इक्विलिब्रियम है। ओके, डी आपका मिड पॉइंट है ऑफ किसका, बी सी का। आपने लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम रिजल्ट किया, म्यू लैम्डा माइनस जो म्यू है हमने उसको रिजल्ट का यूज किया, और हमने क्या लिख सकते बेटा, पी बी आपका पी बी प्लस में पी सी इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ पी डी, ठीक है, पी बी प्लस में पी सी इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ, राइट, क्योंकि जब ये ट्राइंगल ले तो डी इसका मिड पॉइंट है ना, तो दैट मीन्स ट्राइंगल पी बी सी में, पी बी सी में आपका पी डी क्या है, मीडियन। तो मैंने वही वाला रिजल्ट किया, पी सी प्लस पी बी प्लस में टू टाइम्स ऑफ पी डी, ठीक है। सिमिलरली प्रत्येक साइड का ले रखा है, तो मैंने पी ए प्लस में पी बी प्लस में इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ पी एफ, ऐसे इसमें पी ए प्लस में पी सी प्लस में टू टाइम्स ऑफ पी ई। ओके, अब देखो एक बात देखिए बेटा, कि आपके पास ना इन सब के डायरेक्शन, इसकी तो आपकी पी से बी उल्टी है ना, इसकी भी उल्टी है, और आपने इधर से लिया सबकी उल्टी है, तो क्या कर दिया, मैंने सबकी डायरेक्शन चेंज किया कि बी से पी, क्योंकि बी से पी को डायरेक्शन मिली हुई है, सी से पी को मिली है, और आपका पी से किसको मिली हुई है, डी पी। लेकिन हमने जब इसमें लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम लगाया, तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि सबकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, मतलब पी बी पी सी इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ पी डी ए ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, इसकी कर दी, एक माइनस इधर से आ गया, इसकी भी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो दोनों तरफ प्रत्येक वेक्टर की जो फोर्स था जो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सारे क्या बन गए, पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने एक बार ए बी साइड के अलोंग लिया जिसका एफ मिड पॉइंट है, एक बार मैंने ए सी के अलोंग लिया जिसका मिड पॉइंट कौन है, ई है, ठीक है। और सभी की मैंने डायरेक्शन को भी चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद मैंने सबको ऐड कर दिया। ओके, तो ऐड कर दिया, तो आपके पास यहाँ से देखिए टू, ये भी सारे टू टाइम्स है, और ये भी क्या बन गए, सारे टू टाइम्स हो, ठीक है। तो मैंने ऐड करा वन टू थ्री को, तो टू टाइम्स ऑफ ए बी बी पी सी पी बन गए आपके, ठीक है। तो बन गए, देखो ये वाले ऐड किए वन, तो टू टाइम्स ऑफ सी पी, टू टाइम्स ऑफ ए बी, टू टाइम्स ऑफ बी पी, और इधर से दो कॉमन था ही, और ये आपके पास आ गया, तो टू से हमने क्या कर दिया, टू कट कर दिया, ठीक है। अब देखिए आप रिजल्ट के बहुत ही करीब हो, इसमें कहा ए पी बी पी सी पी बी डी बी ई, और ये मैंने ये कहा था जब इन सब का सम क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो किस में होंगे, इक्विलिब्रियम पोजिशन में होंगे। तो देखो ए पी बी पी सी पी, इनकी तो डायरेक्शन सही है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, चेंज। तो हम क्या करेंगे, इन दो दो से दो कट करके, और हमने इनकी डायरेक्शन को चेंज कर दी। जैसे ही डायरेक्शन को चेंज किया, तो डी पी की बजाय पी डी माइनस, पी ई माइनस और पी एफ माइनस। ओके, तो बेटा पी ई सारे क्या बन गए, आपके माइनस में बन गए, तो अब इधर आएंगे तो ये जीरो हो गया, ये प्लस के हो गया। तो देखो सभी का सम जो था वो मेरे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। तो देन मैं कह सकती हूँ द हैंड्स द फोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाय
एपी बीपी और सीपी पीडी आर इन किस में इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ओके तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका काफ़ी बड़ा चला जाएगा, ये बता ही देती हूँ। चलो पी आपका कोई पॉइंट है इन द प्लेन, किसमें आपके ट्राइंगल ए बी सी में शो दैट द फोर्स पी ए पी बी और पी सी आर इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ पी जी। ठीक है तो वेयर आपका बेटा जी जो है वो सेंट्रोइड है ऑफ किसका ट्राइंगल का, जी हमने क्या ले लिया ट्राइंगल का सेंट्रोइड, तो ए बी सी ट्राइंगल बना ली। तो इसने जैसे मैंने बताया था आपको पी ए पी बी, तो उसी हिसाब से आपको फोर्सेज को डायरेक्शन देनी है। ओके तो पी ए पी बी और आपका पी सी, ठीक है अब मुझे पी जी भी चाहिए तो मेरे को पी जी भी ज्वाइन करना पड़ेगा। देन अब मैंने ट्राइंगल ला लगाया, कहाँ का लगाया पी ए, पी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ पी जी प्लस में पी ए प्लस में पी जी प्लस में पी जी और प्लस में जी ए। ठीक है जी ए ये जो मेरे पास ट्राइंगल थी मैंने ट्राइंगल ना लगाया, इसमें कौन से ट्राइंगल में पी ए जी में, तो पी ए जी में लगाया मैंने पी ए, तो पी जी और जी ए। ओके सिमिलरली मैं ट्राइंगल दूसरे में लगाऊंगी जिसमें मुझे पी बी चाहिए, क्योंकि मुझे तीनों ये चाहिए पी ए और पी बी पी सी चाहिए ना, तो मैंने पी ए लगा दिया। फिर दूसरी ट्राइंगल मैंने कौन सी पकड़ी पी बी जी पकड़ी, तो इसमें मेरे को पी बी चाहिए ना, तो पी बी और पी जी प्लस में जी बी, सिमिलरली मैंने ये पकड़ लिया। ओके तो मुझे इसमें क्या चाहिए बेटा पी सी चाहिए, तो ओके तो पी जी प्लस में जी सी। ठीक है तीनों को मैंने सम कर दिया, सम करा ये तीन टाइम्स ऑफ ये आ गया। अब जी ए जी बी जी सी इक्वल्स टू क्या है टू, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये हमारे क्या हैं, ये हमारे इक्विलिब्रियम है। ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर आपको पता है तो डाल दीजिएगा, वरना थोड़ा सा सोल्व करके दिखाना पड़ेगा कि लेट ए डी आपका मीडियन है थ्रो ए से, तो ए जी इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ जी डी है, तो आपके पास देखिए इन तीनों को लोगे, तीनों को लोगे तो आपके पास ये क्या बन गया जी ए इक्वल्स टू वन प्लस वन जी डी, और ये आपका जीरो हो गया। तो जीरो तो आपके पास जो रिजल्ट प्रूव करवा रहा था, क्या करवा रहा था कि इन सब का जो सम है वो थ्री टाइम्स ऑफ क्या बने पी जी बने। ओके थैंक्स।